स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में भव्य कार्यक्रम हो रहा है और पूरा होर्डिंग से जो है समाजवादी पार्टी जो कार्यालय है, हम आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा सजा दिया गया है और तमाम जो होर्डिंग है वो लगाई गई है और कार्यक्रम को खुद जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव वो संबोधित करेंगे और तमाम जो नेता है वो कार्यक्रम में आना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ जूही सिंह जी भी हैं। मैडम, किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या कुछ संदेश दे रहे हैं आप लोग? जब हमारी सरकार भी थी तो बबलू बिंद जी हैं, ये बहुत ही सक्रियता से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के माध्यम से कई करोड़ रुपए, करीब 16 करोड़ रुपए हम लोगों ने कैंसर और गंभीर पीड़ितों को वितरित किए। कैंसर हॉस्पिटल बनवाया क्योंकि वो चाहते थे गंभीर बीमारियों का इलाज लखनऊ में ही हो सके, और फिर जब नहीं खोल पाया कैंसर हॉस्पिटल इस सरकार में तो हम लोगों ने दबाव डाला, अंत में वही कोविड हॉस्पिटल भी डिक्लेयर हुआ। तो आज कैंसर दिवस है, हम कैंसर पीड़ितों के साथ खड़े हैं। नेताजी हमेशा चाहते थे कि दवाई मुफ्त हो, सही इलाज मिले, अपने पास इलाज मिले, और उसी की तरह हम एक संवेदनशील तरीके से चाहते हैं कि ये कैंसर हॉस्पिटल और बड़ा हो और सभी कैंसर पीड़ितों को हमसे जितनी मदद हमने की उससे भी अधिक मदद इस सरकार में। अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में चाहिए जी? अखिलेश यादव जी भी अभी इस कार्यक्रम जी, आज जो पूरा कार्य का लेखा जोखा एक नेताजी पे किताब है, किस तरह वो समर्पित थे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए, वो उसका विमोचन होगा, एक कैलेंडर का भी विमोचन होगा जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तमाम ये जो नेता हैं समाजवादी पार्टी में आना शुरू हो गए हैं और अब से कुछ देर के बाद एक भव्य कार्यक्रम रखा गया और उसमें खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव वो भी शामिल होंगे। कैमरामैन सौरव के साथ अहमद हुसैन, लखनऊ।